अदली शाह साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो है एक मरतबा यहाँ विजिट करें, आराम से सुकून से खुद तो बैठे हुए हैं मगर यहाँ पे पब्लिक जो है इतनी परेशान है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही। मुश्किल है कि कोई जा नहीं सकता, घर से निकल नहीं सकता, मेरी वालदा इतनी बीमार है मैं उनको देखने नहीं जा सकती, कुछ एक हफ्ते से कैद है घर में। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जिन्हें दो सालों से तब्दीली का इंतजार था वह तब्दीली आ गई है। इमरान खान के नया पाकिस्तान का तब्दीला जोन कराची वाई वाई बटोर रहा है। हालत यह है कि इस वक्त कराची की जनता को भरपूर पानी मिल रहा है, इतना कि अब पाकिस्तान को भारत के आगे बार बार सिंधु जल समझौते की दुआई नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ इतना पानी है कि पता नहीं लग पा रहा है कि लोग पानी में हैं या फिर पानी इन टोपीबाजों को संभाल रहा है। पिछले कई दिनों से 235 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश ने नया पाकिस्तान की पोल खोल दी है। सीवर फैल हो चुके हैं और बारिश के बेशुमार पानी ने कराची की सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया है। टोपीबाजों में त्राहिमाम मचा है तो पोस्ट कॉलोनियों में भी 4 फीट से ऊपर पानी पहुंच चुका है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वह 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रहा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मुल्ला मुल्क के इस कचरे शहर के हालात क्या होंगे। मजे की बात यह है कि इमरान खान एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट की फिक्र में ज्यादा मरे जा रहे हैं। अकेले कराची में जो 200 टोपीबाज हुरों की खोज में भागे हैं, उस कराची की कोई फिक्र इमरान को नहीं है। लोग तो इस आस में है कि इमरान खान कम से कम एक बार घबराना नहीं बोल देते तो तहमत ऊपर उठाकर वे इस दरिया को भी पार कर लेते, पर मुल्लाओं के तबेलों में भैंसों की बजाय जाहिलों की भरमार है। ऐसे में डूबते कराची की तकदीर का पर्चा इमरान खान फाड़ चुके हैं और हालात दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे हैं, जिसमें कराची का हर गली मोहल्ला तबाही और आसमानी आफत से रूबरू है। वैसे भी दुनिया में इन्होंने जितनी आफत मचाई है यह उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए ढहते आसिया ने हुरों की खोज में उतावले टोपीबाजों की आफत और सामत कुछ भी नहीं है। यू भी पाकिस्तान के नक्कारा मौसम विभाग ने ऐलान करके तहमतबाजों के गदैया नृत्य पर पूर्ण विराम लगा दिया है। उसने मौसमवाणी की है कि 1989 के बाद से सबसे ज्यादा पानी गिरा है, आने वाले दिनों में बारिश के और भी ज्यादा होने के आसार हैं। यानी टोपीबाजों को अब एलएसी पर आने की जरूरत नहीं है, हुरों की खोज में जाने का रिजर्वेशन कराची के टिकट काउंटर पर ही बुक हो रहा है। पर मामला केवल यहां तक नहीं है, इस वक्त वह रावी नदी भी उफान पर है जो आमतौर पर गर्मियों में सूखी पड़ी रहती है। इधर बारिश का पानी इसमें पहुंच रहा है तो भारत ने भी अलची बांध के 4 गेट खोल रखे हैं, जिसमें कराची के साथ पंजाब को भी खूब पानी मिल रहा है। यानी पाकिस्तान का पंजाब और सिंध पानी पानी हो गए हैं। कराची में बारिश के पानी ने सैलाब का रूप धारण कर लिया है। हालत यह है कि हफ्तों से पिछवाड़ा उठाने गिराने का मौका भी नहीं भुनाए जा सके हैं। जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आता है। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह इमरान खान से भी बड़े तब्दीले साबित हुए हैं। कराची में दूर दूर तक सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। 3 दिन पहले ही बाजवा की रैपिस्ट फौज के दस्ते कराची भेजे गए थे, मगर वह भी पानी सिर से ऊपर आता देखकर रफूचक्कर हो गए। यानी कराची का बिस्मिल्ला इस बार पानी में हो रहा है, पर इससे भी बड़ी मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है। कई दिनों से पानी में डूबे कराची के मकानों की बुनियाद तक पानी अपनी जगह बना चुका है, जिससे घरों के ढहने का जोखिम पैदा हो गया है। कराची म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लोग ऐसी इमारतों और घरों से दूर रहे जो काफी पुराने और जर्जर हैं। ऐसे घरों के ढहने की आशंका ज्यादा है। इस चेतावनी ने पहले से ही घबराए टोपीबाजों की और ज्यादा फाड़ दी है। मलिर हुरंगी कुरंगी गड़ाप न्यू कराची सुरजानी टाउन वालदिया टाउन मंगो पीर गुलसाने आदि नाजवा वादियानी कराची का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पानी नदियां की तरह नहीं बह रही हो। सिंध असेंबली भी तालाब में तब्दील हो गई है। सिंध असेंबली जाने वाला रास्ता भी स्विमिंग पूल बना हुआ है। नॉर्थ कराची का तो और भी बुरा हाल है, जहां बारिश का पानी 4 फीट से भी ऊपर चला गया है। कराची के 2 दर्जन से अधिक फीडर ट्रिप कर गए हैं, जिसकी वजह से कराची का 2/3 हिस्सा अंधेरे में डूब गया है। दरिया बन चुकी सड़क को देखकर टोपीबाज उसे पार करने का पहले जोखिम उठाते हैं। कुछ पार कर भी जाते हैं, जो पार नहीं कर पाते उन्हें पार कराने के लिए भाड़े के टोपीबाज भी यहां धंधा चला रहे हैं। यानी इमरान की तब्दीली का तंदूरा आगाड़ी पिछाड़ी दोनों तरफ से बज रहा है। अब पाकिस्तान के कराची शाही उन फुटेज का क्रमवार देखना भी जरूरी है, जो इस कचरा शहर के हालात और नया पाकिस्तान का दर्शन कराते हैं। आइए देखते हैं कराची में चल रही बारिश के बाद का ये मंजर। परेशानी और बड़ी पड़ी है, इधर रास्ता लांघने का नहीं है, आवाम तंग ही पड़ी है सर।
ऐसा हो गया, पहले जो भी MNA बनते हैं, MPA बनते हैं, ये पता है जगह नीचे है, इसके अंदर मिट्टी डाल के ये बनानी चाहिए, नहीं बना रहे। खाने को नहीं है, 4 दिन से 6 दिन से घर से बेघर हो रहे। मुश्किल है कि कोई जा नहीं सकता, घर से निकल नहीं सकता। मेरी वालदा इतनी बीमार है, मैं उनको देखने नहीं जा सकती। कुछ एक हफ्ते से कह दें घर में बस। किस काम की आगा? अगर आप लोग ही इसी तरह रोडों पे आ जाएं, आपके बच्चे आ जाएं, तो आप लोग क्या करें? अदली शाह साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो है एक मरतबा यहाँ विजिट करें, आराम से सुकून से खुद तो बैठे हुए, मगर यहाँ पे पब्लिक जो है इतनी परेशान है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही। पानी का कोई बंदोबस्त करवा दें, कोई ना कोई सुनने वाला होगा आपके थ्रू, कम से कम आपके तफस से ये काम हो जाएगा, पानी निकल जाए कम से कम।